अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये देखो कैसा है, बाबा है। और ये बहुत सुंदर है। हम अभी चेंज करके आते हैं। हम भी चेंज करते हैं। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? ये जैसे भी हो संजय जी, पर मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। आप घर की पार्टी में भी इतना लेट आ रही हैं। मालकिन, एक बात तो बताइए, पार्टी रखी क्यों है? भाई, बच्चों का मन था। हाँ। तो माँ साहब ने मना नहीं किया तो पार्टी हो गई। माँ साहेब बिना धन्य हो, माँ साहेब धन्य हो। अनिया फिजूल खर्च में पैसे उड़ा रही है। अरे, हमारे राणा के लिए बचा कर तो रखे। देखिए जरा कौन आए हैं। राणा भैया के सबसे खास दोस्त। नमस्ते अंकल। अरे ध्रुव, कैसे हो बेटा? बहुत दिनों बाद आए। बस काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। अच्छा, काफी टाइम से राणा से भी नहीं मिला, वो है कहाँ? वो रहा। वाह, गुड़िया रानी कितनी सुंदर लग रही हो तुम। और हम हमको रोशनी ने तैयार किया, रोशनी ने हमारे लिए कपड़ा चुना। कुंवर जी, आप ना, आप तो बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो, सबसे सुंदर। हमेशा खुश रहो। अरे छोड़, कुंवर जी कहाँ लग रहे हो, बस नजर ना लगे। थू 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 नजर ना लगे। यहाँ पर भी थूक दीजिए, यहाँ पर, यहाँ नहीं पूरे घर में थूक दीजिए, साथ में कुल्ला भी कर लीजिएगा। बात समझ में आई? जया बहन, दो मिनट में बच्चों को सबसे मिलवा लेती हूँ। आओ आओ मीठी। देखो कौन आया है। कितना टाइम हो गया मिले। अरे अब आएगा ना मजा। ये हमारा फेवरेट खिलौना है। हमारे साथ खेलोगी प्लीज? नहीं। क्यों? हम नहीं तोड़ेंगे प्लीज। खेल लो बेटा, खेली खेली। अगे कोई समझाओ इसे, इतना बड़ा हो गया है, बच्चे डर जाएंगे इससे। ये तो सिर्फ कद में ही बड़ा है गुप्ता जी, अक्कल से तो अभी भी छोटा ही है। बहुत बड़ी बात कही। अंकल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, राणा बच्चे ही तो है, क्योंकि ताने कसना, खिल्ली उड़ाना, अपने काम से काम ना रखना, ये सारी बीमारियां तो बड़ों की होती है ना, बच्चों की नहीं होती। राणा तो
तो पूरी तरह से हिल गई, क्योंकि ये लोगों के पीठ पीछे तभी आवाज में बातें नहीं बनाते। अरे बड़ों के लिए तो मुस्कुराना भी कितना मुश्किल होता है, खुशी के मौके पे भी। और इन्हें देखी, राणा तो नींद में भी मुस्कुराते रहते हैं। इनकी शैतानियां माँ को हंसा देती है, इनकी हंसी पापा के सारे थकान को उतार देती है। अरे इनकी बातें तो ऐसी हैं कि मुश्किल पलों में भी हम सब के चेहरे पर स्माइल ला देती है। राणा इतनी खुशकिस्मत है कि इन्हें अपना बचपन वापस जीने को मिल रहा है। और हम सब तो इनसे भी ज्यादा खुश नसीब है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। और हमें भोलेनाथ के इस रूप के साथ इतना सारा वक्त बिताने को मिल रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। खुश तो हम रहेंगे, क्योंकि हमारी खुशी खेलने में है। खेलने जाए? अरे तो आपको कौन मना कर रहा है, खेलिए ना। तो फिर आओ, चलो। आप सब राणा के साथ खेलेंगे ना? मैं भी खेलूंगा। मैं भी। सब खेलते आओ। रेलगाड़ी आ गई सब। ओके ओके। राणा खतरे में है और मीठी घर से बाहर होगी। आज आतिशबाजी में हमारी जीत का जश्न होगा। कमाल। हम अभी चेंज करके आते हैं। हम भी चेंज करते हैं। पूरी तरह से चेंज कर लेना। ऐसे चेंज करना कि दोबारा चेंज करने की ना बनना है। ये मिट्टी राणा की पैरेदार बनती है ना, आज की पार्टी में इस
मूर जी को घर से बाहर निकाल दिया तो मेरा नाम भी कुल्लू कैलाश शकुनी मामा ने। राणा के कपड़ों तक कोई बाहर वाला पहुंच नहीं सकता। ये काम किसी घर वाले ने किया है। अपनी सलामती के लिए बता दो कि राणा की जैकेट में फटाके किसने रखे थे। हमें क्या पता मां साहब, राणा की देखभाल के लिए मीठी ने जिम्मेदारी ले रखी है ना। और मीठी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है भाभी। मां साहब, सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बार भी मीठी ने ही राणा की जान बचाई है। उसे खुद चोट लगी लेकिन फिर भी वो राणा के पास मीठी तो खड़ी थी ना। हर बार यही होता है ना मां साहब, जब भी राणा मुश्किल में होता है मीठी उसके पास ही होती है। भाभी, कहना क्या चाहती हैं आप? अरे मां साहब, किस्मत के आगे इंसान की कभी नहीं चलती। उसके इम्तिहान को ना आप हमारी बिटिया का दोस्त मत बनाइए। राणा को नुकसान पहुंचा के मीठी को क्या मिलेगा? यह हवेली, जायदाद, पैसे, त्रिपाठी खानदान के वारिस राणा त्रिपाठी का हिस्सा। काका मैया, नहीं मास्टर, हमारी बिटिया ऐसी नहीं है। घी डालने का वक्त आ गया है। राणा,
भांजे राणा। हमको काय बुलाया है? भांजे बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं, सबके सामने सिर्फ एक बार बता दे कि वो जैकेट तुझे किसने लाके दी थी। अच्छा बेटा बता। रोशनी ने। हम नहीं मानते, राणा को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारी लड़की ने हमारे घर के आंगन को जंग का मैदान बना लिया है। मां साहब, एक शर्मिंदा बाप क्या ही बोलेगा। जो आप बोले, जो आप करना चाहे, आपकी मर्जी, आप करें, आपको जो करना। हमारा हुक्म नहीं माना ना तो अम्मा ये तो मीठी भाभी का सामान है। इस घर पे पड़े काले साए को आज हम उखाड़ कर फेंक देंगे। हमारे राणा पे जो बुरी नजर पड़ी है ना उसको उतार देंगे। तू तोतापुरी ये घर से निकल के रहेगी। हड़ी मालके, आपका हुक्म सराखों पर है, लेकिन हमारी और राणा की शादी गंगा मैया का हुक्म है, और हम उनकी कसम खा के कहते हैं हम सपने में भी राणा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तेरी औकात भी ना है। चल निकल यहां से। अरे कर रहे हो हीरोइन? रोशनी हमारी दोस्त है और दोस्तों को ऐसे घर से बाहर नहीं निकालते। और आप सब लोग सुन लो,
रोशनी कहीं नहीं जाएगी। बेटे ने ही मनु उसको रोक लिया। कहा जिंदगी है। माफ कीजिएगा जयाज, मैं पूरी कोशिश करूंगी आज जो हुआ वो दोबारा ना हो। लेकिन हर आस तुझसे शुरू हो, हर सांस तुझ पर खत्म, धड़के तू दिल बन के हम में, तब जाके जीते हैं हम। तेरी मोहब्बत है यारा, हम पर रब का करम, धड़के तू दिल बन के हम में, तब जाके जीते हैं।